गाइस वेलकम टू पैप कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। तो जब बात बिटकॉइन माइनिंग का आता है तो आखिर ये होता कैसे है, लाइक हमें क्या करना होता है इसमें। तो नॉर्मल से अगर बात किया जाए तो हमें एक हैश जनरेट करना होता है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस ब्लॉक में एक हैश है जो हमें जनरेट करना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रूट फोर्स यूज करते हैं। ये जो नॉन्स वाले ब्लॉक में आप नंबर देख रहे हो, इसे हम लोग चेंज करते हैं, लाइक ब्रूट फोर्सली चेंज करते हैं। और चेंज करते जाते हैं, तब तक चेंज करते हैं जब तक हमें अपना टारगेट, आपको पहले कुछ चीजें समझना होगा यहाँ पर, लाइक किस टाइप्स, लाइक हमारा टारगेट क्या होता है, ये हैश लाइक कितना हैश हमें चाहिए होता है, क्या होता है हैश। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो हैश होता है ना, ये एक हेक्सागोनल नंबर होता है। अब हेक्सागोनल नंबर अगर बात किया जाए ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट हेक्सागोनल नंबर का, तो क्या होगा, FFFF 64 डिजिट्स, लाइक आप रख लो 64 कैरेक्टर्स, तो ये हो सकता है, राइट। अगर आप इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, राइट। तो हमारा काम क्या होता है ना, हमें एक टारगेट नंबर से छोटा हैश जनरेट करना होता है। तो अब आप ऐसे समझो एक बार के लिए, कि आपका टारगेट नंबर जो है समहाउ ये है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये हैश के करस्पॉन्डिंग में जब आप अपना वैल्यू निकालोगे, राइट, इस हैश के करस्पॉन्डिंग में, तो अभी आपने क्या किया, स्टार्टिंग में कुछ कुछ जीरोज ऐड कर दिए। इससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है, लाइक आपका टारगेट क्या हो गया, टारगेट क्या हो गया, छोटा हो गया, राइट, टारगेट डिक्रीज हो गया। और आपको करना क्या होता है यहाँ पे, ये नॉन्स चेंज करके जो टारगेट दिया हुआ होता है उससे छोटा हैश जनरेट करना होता है, राइट। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको टारगेट दिया गया 10, ठीक है, कि 10 से छोटा हैश जनरेट करके दिखाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ब्रूट फोर्स लगाओगे, कभी 15 आएगा, कभी 13 आएगा, समहाउ कभी 7 आ गया, राइट, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका टारगेट 20 होता, राइट, 20 होता, तो आपका तो पहले बार में ही ब्रूट फोर्स रन कर गया होता, आपका टारगेट अचीव हो गया होता। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक टारगेट दिया हुआ होता है उससे छोटा हैश जनरेट करना होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नॉन्स को चेंज करके अपना टारगेट अचीव करने का कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे अब ऐसे समझो चीज़ों को, कि आप जब इसे चेंज करते हो ना, इसे चेंज करते हो, तो ये हैश हमारा चेंज होता है और समहाउ हमें अपना एक टारगेट हैश अचीव करना होता है, जो कि हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात आता है डिफिकल्टी लेवल का, डिफिकल्टी लेवल का बिटकॉइन नेटवर्क में, तो ये कैसे एडजस्ट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली हर 2 वीक में एडजस्ट होता है। ये कैसे एडजस्ट होता है, ये डिपेंड करता है बिटकॉइन माइनिंग में कितने सारे नोड्स काम कर रहे हैं, लाइक कितने सारे हैश काम कर रहे हैं। बिटकॉइन डिफिकल्टी इन द बिटकॉइन नेटवर्क इज एडजस्टेड आफ्टर 2016 ब्लॉक, जब इतने सारे ब्लॉक्स माइन हो जाते हैं उसके बाद बिटकॉइन नेटवर्क का डिफिकल्टी सेट होता है। इट इज लाइकली 2 वीक्स आप बोल सकते हो। एन एडजस्टमेंट ऑफ डिफिकल्टी अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द माइनिंग नेटवर्क एंड देयर कंबाइंड हैश पावर। तो क्या होता है, कितने बंदे हैं माइनिंग नेटवर्क में और उनका कंबाइंड हैश पावर क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा डिफिकल्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। डिफिकल्टी अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बढ़ाने होंगे, और डिफिकल्टी अगर घटाना है तो हमें नंबर ऑफ जीरोज हटाने होंगे, राइट। तो ऐसे हम लोग डिफिकल्टी एडजस्ट करते हैं। ओके, तो मैं अब आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी, लाइक जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट ही हुआ था, तो 2009 से 10 के बीच में, अगर आप उसको एज अ स्केल 1 देख रहे हो, कि उस समय डिफिकल्टी लेवल 1 था, तो अप्रॉक्सीमेटली 2018 19 के टाइम में ये बढ़ के ट्रिलियन टाइम्स बढ़ गया। लाइक उस समय अगर 1 हैश का मेहनत करना पड़ता था, तो अभी हमें ट्रिलियन हैशेस जनरेट करने होंगे पर सेकेंड। लाइक डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टाइम के साथ, आप जैसा देख सकते हो। ये क्यों हो रहा है,
क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे बिटकॉइन नेटवर्क में बहुत सारे माइनर्स ऐड होते जा रहे हैं, बिटकॉइन का नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, माइनर्स बहुत अच्छे अच्छे मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं हैशिंग करने के लिए, माइनिंग करने के लिए। तो अगर अब बात किया जाए बिटकॉइन माइनिंग इवोल्यूशन के बारे में, तो जैसा आप जानते हो स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लेवल बहुत ही कम था, तो आप अपना नॉर्मल सीपीयू से भी माइनिंग कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया पता चला जीपीयूज का यूज़ करना बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लाइक जीपीयू से बहुत अच्छा हैशिंग हो रहा है। तो उसके बाद माइनर्स क्या करना स्टार्ट कर दिए, जीपीयू को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 2013 में एक बिटकॉइन माइन करने के लिए एक डेडिकेटेड टूल बोल सकते हो आप आया, जिसका नाम है ASIC। ये अराउंड अराउंड 4 to 16 टेरा हैशेस पर सेकेंड जनरेट करता है, लाइक इट इज़, आप ऐसा बोल सकते हो ये बिटकॉइन माइनिंग के लिए ही बनाया गया था, तो दिस इज लाइकली मोर एफिशिएंट और कम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छा हैश प्रोवाइड करता है, तो जो भी माइनर्स होते हैं वो इसे ही यूज़ करते हैं। और फिर अब ऐसा बोल सकते हो जैसे जैसे ये होता गया, अब मॉडर्न अगर माइनिंग फैक्ट्री का बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे ये एसिक्स को यूज़ करके एक बहुत बड़ा मॉडर्न, लाइक उस फैक्ट्री में सिर्फ माइनिंग ही होता है ऐसा बोल सकते हो। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट माइनर्स माइनिंग पूल ज्वाइन करते हैं, माइनिंग पूल अगर बोला जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो, मैं एक आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो आप जैसा ये चार्ट देख पा रहे हो ये सारे माइनिंग पूल्स हैं, एंट पूल, फाउंड्री USA, F2 पूल, ये सब पूल हैं। बंदे क्या करते हैं इस पूल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस पूल को ज्वाइन करते हैं और इस पूल में जितने मेंबर्स हैं, ये सब मिलकर माइनिंग करते हैं अपने कंबाइंड पावर से, और जो जनरेट होता है BTC, अब हर बंदे ने जितना जितना हैस कंट्रीब्यूट किया है, पावर कंट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू दैट उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये जो अथॉरिटी होता है ये पूल का ऑनर जो होता है वो कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, लाइकली 1 to 3%। तो इस तरह से माइनिंग पूल काम करती है हमारी। तो दिस इज ऑल अबाउट माइनिंग, लाइक अगर आप बेसिक बात की किया जाए माइनिंग किस तरह से होता है माइनिंग में। माइनिंग में एक और डिफिकल्टी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, लाइक जो मोस्ट कंसिडरेबल है, क्या कि जब आप माइनिंग कर रहे होते हो तो जो कॉस्ट आता है आपका, एक तो मशीन का आता ही है साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट। तो अगर हमें माइनिंग सेटअप करना होता है तो हम लोग एक ऐसे लोकेशन को चूज करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम हो। तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि अगर आपको माइनिंग सेटअप करना है, एक आप अगर एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज अ यूज करता है कोई माइनर, तो वो इन चीज़ों को कंसिडर करता है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो, नहीं तो एज अ लाइक उन्होंने जितने मान लो बिटकॉइंस जनरेट किए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फी या फिर सेटअप का फी आ रहा है, तो लाइकली ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, आप ये देखो जैसे कि जब स्टार्टिंग में माइनिंग स्टार्ट ही हुआ था तो उस समय एक ब्लॉक को माइन करने के लिए 50 BTC एज ए रिवॉर्ड दिया जाता था। जैसा आपको पता है माइनिंग के लिए क्या होता है, जब बंदा माइनिंग करता है और ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करता है तो उसे एज ए रिवॉर्ड 50 BTC मिलता था स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ, हर 4 साल में क्या होता है ये रिवॉर्ड घट जाता है, घट के कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो उसके बाद 25 हो गया, फिर उसके बाद 12.5 हो गया, इस तरह से घटता जा रहा है। तो रिवार्ड का क्या सिस्टम है कि जैसे जैसे 4 साल बीतता जाता है, लाइकली आप ऐसा बोल सकते हो कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स माइन होने के बाद, नंबर ऑफ ब्लॉक्स माइन होने के बाद रिवॉर्ड्स हाफ होता चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक माइनिंग, अगर बेसिक माइनिंग के बारे में बात किया जाए। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।